सीमावर्ती इलाका को पुंछ से जोड़ने वाला बेताज पर बना पुल प्रशासन की अनदेखी के कारण हुआ खस्ताहाल। लोगों ने कहा पैदल चलने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। उनका प्रशासन से मांग है कि पुल को जल्दी से जल्द ठीक किया जाए। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। समय बताड़ ब्रिज पे खड़े हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ही खस्ता हालत है। यहाँ के कुछ समाजी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सुखविंदर जी बताएं, पिछले कई वर्षों से इस ब्रिज की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है, तो इस पे क्या कहेंगे सर? सर बड़े अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आज से पहले हम कई बार मिल चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार विजिट भी करवाया। इससे पिछले जो डीसी साहब थे उनको विजिट करवाया कि ये जो पुल है ये एक तो सिंगल पुल है और इसके जो फुटपाथ हैं वो तकरीबन टूट चुके हैं। देखिए पिछले दिनों में एक हादसा हुआ, 16-17 साल का बच्चा जो है इस पुल पे जो गड्ढे हैं उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल पर था बेचारा, उसकी जान चली गई। हमने डीसी साहब को एक मिला और मेमोरेंडम भी दिया था कि जिसके पुल की विजिट करें और इस पुल को रिपेयरिंग करवाएं। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ से 3-4 गाँव आगे पड़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है यहाँ से इस पुल के ऊपर से। एक तो इसे सिंगल है चलने के लिए, जो फुटपाथ था वो भी तोड़ दिया गया है। अब देखिए बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी रहेगी और हमारे जो लोकल जो सीनियर सिटीजन जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाना होता है, इस चीज़ को आगे पहुँचाना होता है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी भी बहुत बड़ी नलायकी है, हमारी खुद की नलायकी है। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम इस चीज़ पर कन्विंस नहीं कर सके। हमारे जो पुंछ की जो खस्ता हालत, देखिए मेरा एक ब्रिज है, ये 3-4 गाँव को रास्ता, यहाँ हज़ारों लोग, हज़ारों ऑटो, दिन रात ट्रालियाँ चलती हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है इसकी रिपेयरिंग आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। आज हम आपके चैनल के माध्यम से पुंछ बायोटोन एरिया का जो बेताड़ नाला ब्रिज है इसके इस नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर खड़े हैं हम। और इससे पहले भी वक्तन वक्तन हमने आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है हाईलाइट की है और डिपार्टमेंट तक पहुंचाई है, जो हमारा एक कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का पालन हमने किया है। लेकिन डिपार्टमेंट के न्याय की और कुछ हमारे जो यहाँ पर नेतागण लोग हैं जो पक्ष विपक्ष की बात करके और लोगों को डिवाइड करके जो अपनी कुर्सी हासिल करते हैं और लोगों के जो सुविधाएं के लिए जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला ये जो ब्रिज है ये दिन ब दिन जो है बस से बदतर हो रहा है। देखिए इसकी आप हालात, ये तो पहले सिंगल वे पुल है, दूसरा ये पुल जो है इसके साथ में जो दोनों फुटपाथ हैं ये दोनों डैम बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं जब से ये बना है, और तब से डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के अंदर है उस डिपार्टमेंट ने इसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है और ब्लैक टॉपिंग भी नहीं हुई है इसके ऊपर। दूसरा ये पुल जो है कम से कम 7-8 हज़ार पॉपुलेशन है इस पुल की उस तरफ, प्लस डिफेंस भी है जो कि एक बहुत बड़ा एम रोल ये पुल निभा रहा है। सुविधा तो है ही है और इसका बहुत बड़ा एक एम रोल है कि अगर ऐसे वैसे कोई मूवमेंट होती है तो री इन्फोर्समेंट के लिए ये पुल जो है एक शक्तिशाली पुल है। लेकिन आज देखिए कि हमें दुख से कहना पड़ता है कि ये पुल जो है दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है और डिपार्टमेंट की नेगलिजेंसी, कुछ हमारे नेताओं की नेगलिजेंसी। लेकिन अभी एक उम्मीद जगी है कि जैसे ही हमारे राहुल यादव यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं उसके बाद जो नेडी साहब आए हैं यहाँ पर इंद्रजीत साहब, उन्होंने यहाँ पर सरफेस चेकिंग किया कुछ डिपार्टमेंटों में। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है दोनों आज जोड़कर कि एक बार पाँच मिनट के लिए इस पुल पर आएँ और देखें इस पुल की क्या हालात है और उनके आने से क्या होगा। कि मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने तक ये पुल जो हमारा मेंटेन हो जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। मेरा नाम अजय कुमार उत्तम है। अजय जी बताएं किस गाँव का रहने वाला? हाँ जी, मैं इससे पार दिगवाल गाँव में रहने वाला हूँ। हम इसको इसके बारे में पहले भी बोल चुके हैं, आपने भी बड़ी बार रिपोर्ट दी हुई है। आप देखो पहले शेयरिंग होती थी उस वक्त भी बहुत हमें प्रॉब्लम थी, चलो आजकल थोड़ी सी वो बंद है, पर देखो ये पुल जो है ना हमारा वो खड़ी करमाड़ा जोट ये दिगवार उधर से पीछे अपना शेरी नूरकोट वगैरह ये सारे जो गाँव हैं ना इनको सबको जोड़ता है ये, तो इसको ये पुल जोड़ता है और कब इतनी पब्लिक रोज आती है जो हादसे पर इसके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये चलने के काबिल भी नहीं रहा है पुल। तो ठीक है, ये देखो बीच में जो गड्ढे पड़े हुए हैं इनमें क्या होता है कि जब आदमी चलता है उसको उसके लिए परेशानी है, गाड़ियाँ होती हैं कभी लेफ्ट जाके टकराती है या कभी राइट जाके टकराती है। देखा क्या है यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। एक्सीडेंटों का ये है कि ये फुटपाथ जो है सारा टूट चुका है, तो लोग जो हैं बीच में चलते हैं तो जो गाड़ियाँ हैं वो भी चलती हैं, जब वो कहीं से टकराती हैं वो सीधा जाके उसके ऊपर जाके पड़ती हैं, तो वो पीछे 16-17 साल लड़का भी है, किसी का डेथ हुई है और कहीं को लगती भी है, ये नहीं कि खाली डेथ हुई और लगती भी है ये भी है, मतलब बहुत परेशानी है हमारे लिए क्योंकि ये हमारा जो इधर पुलिस चौकी भी हमारी वहाँ पर है, इधर तहसील भी छोटा हमारा जो दीवार इस साइड का है, लोग सिटी से भी जाते हैं इधर से भी जाते हैं, तो इसलिए ये जो पुल है इसकी बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो है इसको ठीक किया जाए ताकि ये जो
रोज दिन एक्सीडेंट या ये कुछ होते हैं वो ना हो, और दूसरी ये भी रिक्वेस्ट है कि शाम को यहाँ पर इतना रश होता है, चलना मुश्किल होता है, खासकर ट्रैक्टर जो है इसके फुटपाथ के तरफ दोनों तरफ से चलते हैं और इतने बड़े हैवी जब टायर ऊपर चढ़ते हैं तो ये सारा टूट जाता है। इसलिए हमें यही है कोई गार्ड वगैरह यहाँ लगाई जाए ताकि एक एक आदमी करके यहाँ गाड़ी यहाँ से निकले तो पब्लिक भी सेफ हो और सब कुछ, और ये पुल भी किसी तरह ठीक किया जाए जो इसकी ये फुटपाथ वगैरह टूटे हुए हैं बीच में गड्ढे। ये हमारी एक सरकार से रिक्वेस्ट है और आपका हम शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों का जो हर वक्त ऐसी बातें गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे कि ये चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906068620।